हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े हैं रिटर्निंग गेस्ट हमारे साथ, जो काफ़ी ऑफन आते रहते हैं, इतने ऑफन भी नहीं आते, बट वंस इन अ वाइल मैं कोशिश करता हूँ कि इनके पर्सपेक्टिव आपके सामने रखे, क्योंकि एक एकेडमिक अनाकिस पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में मैं अपनी चैनल पे भी बात करता हूँ। तो वेलकम मधुसूदन, हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन, हाउ आर यू डूइंग? Thank you, Johan, for inviting me again on your show. I'm very well. I hope you're doing very well too. मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अभी पूरी रेट चल रही है कंट्री में फार्मर्स बिल्स के बारे में, और सब सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिबेट्स चल रही है बहुत सारे साइड से, ऑपोजिशन है बहुत सारे क्वार्टर से, मेनली करके फार्मर्स बिल को ज्यादा करके लेफ्टिस्ट कंट्री में अपोज कर रहे हैं। पर आई थॉट के हमें यह सेशन रखना चाहिए ताकि हम अपना पर्सपेक्टिव भी सामने रख सके कि हम एक्चुअली फार्मर्स लॉज के अगेंस्ट है, पर नॉट फॉर द सेम रीजन्स के जो लेफ्ट अपोज कर रहे हैं नेसेसरली। बट हमारा भी ऑपोजिशन है, पर हमारे व्यूज इस पे थोड़े अलग है विद रिस्पेक्ट टू के सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर ये बिल्स हटा देने चाहिए तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, और दूसरे वेरियस फैक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो मधुसूदन ने काफी समय हो गया, पर उन्होंने ये बिल्स को डाइसेक्ट करते हुए एक अच्छा आर्टिकल लिखा था। तो मैं चाहूंगा कि मधुसूदन जी अपना आर्टिकल समराइज करें और फिर हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करना शुरू करें। ओके योहान, सो मेरे आर्टिकल में मैंने क्या, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरा आर्टिकल है वो एक मेनली जिसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं पॉजिटिव एनालिसिस है। इसका मतलब, पॉजिटिव एनालिसिस का मतलब है बिल जो है वो जैसा है वैसा मैंने उसको एनालाइज किया है। मैंने उसको नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव में ज्यादा नहीं लिया, नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव में ज्यादा नहीं लिया। इसका मतलब मैंने ये नहीं ज्यादा डिस्कशन किया है कि बिल की जगह पे क्या होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लिबर्टी माइंडेड लोग भी इंडिया में ऐसा समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो बिल है वो एक फ्री मार्केट के डायरेक्शन में एक कदम है। मुझे याद है मीजीज अमेरिका वेबसाइट पे भी कोई यहाँ के कोई लॉ के स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई साउथ इंडियन लॉ के स्टूडेंट है, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया, और मीजेस अमेरिका, मीजेस यूएसए, मीजेस इंस्टीट्यूट ने वो आर्टिकल पब्लिश किया है कि एक नरेंद्र मोदी का फार्म बिल जो है वो छोटा सा एक कदम है फ्रीडम की ओर। तो मुझे लगा कि ये जो एक मिसकंसेप्शन खड़ा हो रहा है, अब मुझे नहीं मालूम कि, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा पर उसमें मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि क्यों ये फ्रीडम ओरिएंटेड बिल है। पहली बात तो ये है कि बिल को ठीक से पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी बिल को पढ़ेगा उसकी टेक्स्ट को, तो उस वो इमिडिएटली समझ जाएगा कि इसमें कुछ भी फ्री मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज हर चीज पे, हर लाइन में, हर क्लॉज में लिखा हुआ है कि सरकार सब चीजों पे ध्यान रखेगी, पब्लिक यू नो इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। जो भी एक पब्लिक वेलफेयर का जो एक एक्सक्यूज दिया जाता है मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की तरफ से सरकारी इंटरवेंशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो वो हर एक लाइन में लिखा हुआ है, हर जगह पे वो क्लॉज में डाला हुआ है। तो अगर आप एक उड़ती सी नजर भी मारोगे बिल के टैक्स के ऊपर, जो कि किसी भी इंसान को जो इस बारे में डिस्कशन कर रहा है फार्म बिल के बारे में, उसको पहले वो करना चाहिए, बिकॉज बिल को पढ़े बिना आप बिल के इम्प्लीकेशंस को समझ नहीं सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिल की टेक्स्ट को ही कोट करूं और उसके ध्यान में रखते हुए पहले इस मिसकंसेप्शन को हटाने की कोशिश करूं कि ये जो फार्म के बिल है वो कोई फ्री मार्केट के डायरेक्शन में कोई एक स्टेप है। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि ये बिल की वजह से हम जितने भी मिडिल मैन हैं उनको हटा देंगे। सो पता नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया पर, दुनिया में हर जगह पे मिडिल मैन पता नहीं क्यों लोगों के क्रॉस हेयर में रहता है, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि मिडल मैन की वजह से वो एक्सप्लोइट कर रहा है लोगों को, प्राइस बढ़ जाती है, पर ऐसी बात नहीं है। मिडल मैन जो होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन एक प्ले करता है मार्केट में। बिना गवर्नमेंट के भी मिडल मैन रहेंगे, मिडल मैन बेसिकली मर्चेंट जो होते हैं वो होते हैं। सो अगर गांव में से कोई प्रोडक्ट को लाके आपको शहरों में बेचनी है, तो फार्मर्स फॉर एग्जाम्पल वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होगी। शहरों में लाके उन अनाज को, जो भी प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं फार्म प्रोड्यूस को,
शहरों में रखने के लिए उनके पास गोदाम नहीं होंगे, उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे, बेचने की उनके पास फैसिलिटीज जगह दुकानें नहीं होंगी जहां से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जो गांव के जो मार्केट है उसको शहरी कंज्यूमर से कनेक्ट करने का काम मिडल मैन करते हैं। अब ये बात और है कि आज की तारीख में जो मंडियां चल रही है वो सरकारी मिडल मैन की तरह काम कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मिडल मैन खराब है। अब सरकार ने मिडल मैन अपने आप को बना के रखा हुआ है, फिर जब मैं बोलूँ सरकार तो वो राज्य सरकारें हो सकती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि उनके द्वारा अपॉइंट किए गए मिडल मैन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिकॉज वो लाइसेंस मोनोपोलिस्ट है। रिमेम्बर ये कोई प्राइवेट मिडल मैन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी सरकार आ ही नहीं सकती है। सरकार द्वारा जो भी अपॉइंट किए गए हैं लाइसेंस देके, ये सारे के सारे गवर्नमेंट की मोनोपोलीज हैं। सो ऑब्वियसली जहाँ मोनोपोली होगी वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होने के, सरकारी मोनोपोली जहाँ होती है वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होने के चांस ज्यादा, बिकॉज जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे वो सरकार के जो क्रोनीज हैं, जो उनके दोस्त हैं, यार हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें मिले होंगे। तो सबसे पहले मेरे आर्टिकल में मैंने वो मिथ जो है कि मिडल मैन खराब होता है उसको दूर करने की कोशिश की है, और फिर मैंने टैक्स पे ध्यान दिया। और ये दूसरा जो मिसकंसेप्शन खड़ा हो रहा है कि ये कोई फ्री मार्केट की ओर कदम बढ़ रहा है, उसको मैंने हटाने की कोशिश की है कि आप टैक्स को जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ फ्री मार्केट जैसा नहीं है। फ्री मार्केट बोलने से फ्री मार्केट नहीं हो जाता है। जितने भी हमारे भारतीय दर्शक हैं और वर्ल्ड वाइड, उन्हें समझने की जरूरत है कि कैपिटलिज्म और एनार्को कैपिटलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म या फ्री मार्केट, ऐसा बातें करने से कुछ नहीं हो जाता है। कोई पॉलिटिशियन अगर फ्री मार्केट कर रहा है तो उससे फ्री मार्केट नहीं हो जाता है। हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें उनकी एक्शन को देखना है, बिल में क्या है वो हमें देखना है, राइट? तो वो मैंने कोशिश की है कि उस मिसकंसेप्शन को हटाया जाए। एंड इसमें जो दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं, जो मैं एक बड़ी टेंडेंसी, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये सरकार बैठी है दिल्ली में, एक बड़ी जो टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। सो नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं ये दोनों के उनके हाथ के कंट्रोल के बाहर कुछ भी छोटी से छोटी चीज अगर चली जाती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज ये लोग पावर के बहुत ही ज्यादा हंग्री लोग हैं। इसलिए ये दोनों जब से आए हैं तब से हर चीज को दिल्ली में वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पावर को। उसके कहे बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, गुजरात में लोग ऐसे कह रहे हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पर मुझे कई लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पर अगर हम कुछ भी बोलेंगे इसके खिलाफ तो पुलिस हमें पकड़ के जेल में डाल देगी, और वो डरे हुए इसलिए वो लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये दो इंसान स्टेट गवर्नमेंट्स को सिस्टमैटिकली वीक कर रहे हैं। जैसे GST उन्होंने लगाया तो GST में सारी जो राज्य सरकारें हैं उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक सोर्स चला गया, क्योंकि जितने भी वो टैक्सेस लोकल लगाते थे अब वो नहीं लगा सकते हैं। सो इसकी वजह से उनका रेवेन्यू कम हो गया है और अब वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भीख मांगने के लिए वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका जो टैक्स कलेक्शन था वो चला गया और रेवेन्यू चली गई। तो अगर उन्हें कुछ काम करना है तो वो सीधे सेंटर पे डिपेंड हो गए। अब ऑब्वियसली जब आदमी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट होता है तो फिर वो उसका गुलाम जैसा बन जाता है। अब जो उनको पैसे दे रहे हैं वो टर्म डिक्टेट कर सकते हैं, वो हम सब जानते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे एक जो टसल चल रही है राज्यों के बीच, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो वो एक सेंट्रल स्टेट है वो छोटे छोटे स्टेट को वीक करके पावर अपने हाथ में लेना चाहता है। सो इस बिल में मैं वो टेंडेंसी भी देख रहा हूँ कि कैसे लोकल मंडियों को वीक किया जा रहा है। पहले तो GST से उन्होंने राज्य सरकारों की रेवेन्यू को कम कर दिया, अब इसकी वजह से और राज्य सरकारों की रेवेन्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो मंडी जो है वो टैक्स नहीं डाल सकती और किसी भी टाइप का फीस वसूल नहीं कर सकती है अगर फार्मर आके मंडियों के बाहर अपना अनाज बेचते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली यही रह गया है कि लोकल कंट्रोल जो है वो चला जाएगा। बिल में ऐसा भी लिखा है जहां तक मैं एनालाइज कर रहा था कि कोई भी स्टेट्स के लॉज
इसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी स्टेट नहीं कर सकते लॉज बनाएगा तो ये चेंज नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. सो लोकल जितने भी लॉ है वो सबको ये ओवरराइड करना है. सो बेसिकली टेंडेंसी यही है कि सब मोदी नरेंद्र मोदी के हाथ में पूरा पावर और अमित शाह के हाथ में सारा कंट्रोल चला जाएगा और वो लोग वहां दिल्ली से बैठ के जो बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा. मैं सूरत की बात करूं अगर आपको, तो सूरत एक जमाने में मुंबई के बाद सबसे बड़ी रिच म्यूनिसपालिटीज में से हुआ करती थी, सेकेंड नंबर की. अब आज जीएसटी और एक्साइज वेक्साइज सब निकल गया है तो उसकी वजह से सूरत की म्यूनिसपालिटी कंगाल हो गई है, उसका तिजोरी जो है उसका तलिया यू नो बॉटम आ गया है, सेंटर से भीख मांगने के लिए वो मजबूर हो गए हैं, राइट. सो इसकी वजह से ये फार्म बिल में भी मैं वही देख रहा हूँ कि वो जीएसटी और इसको मिला के, और नॉट ओनली दैट दूसरा एंगल में एक भी देख रहा हूँ कि अभी बीच में बैंकिंग सेक्टर में कॉरपोरेट को लाने की बात भी चल रही है. तो अगर मैं उसको इससे कनेक्ट करूं तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है. अब ऑब्वियसली ये मेरा स्पेकुलेशन है पर हम डॉट कनेक्ट कर सकते हैं. क्या क्या हो सकता है कि ये कॉरपोरेट हाउसेस बैंक चालू करेंगे और फिर वो फार्मर्स को लोन देंगे, फिर हो सकता है फार्मर्स उस लोन को चुका ना पाए तो ये कॉरपोरेट्स जो हैं वो उसकी जमीन को कन्फिस्केट कर लेंगे और फिर कॉरपोरेट फार्मिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी और ये जितने भी फार्मर्स हैं जो अपनी जमीन पे आज खेती कर रहे हैं वो फिर कॉरपोरेट फार्म्स में एक बंधुआ तो नहीं खाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह फिर वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. ये मैं एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ इसमें, नहीं मैं जोड़ता हूँ वाई ये लाइकली क्यों है वो भी जोड़ता हूँ. ये बिल में अगर आप देखोगे तो ये भी लिखा गया है कि जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है कॉर्पोरेशन और फार्मर के साथ, सो कॉर्पोरेशन फार्म लैंड के ऊपर कर्ज ले सकती है. सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि अगर कोई कर्ज ले सकता है तो लैंड जाने की मतलब क्षमता भी रखते हैं. और ये भी है कि अभी ये सब जो भी ग्लोबलिस्ट है ये लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम वगैरह की बात कर रहे हैं और हमने काफी मतलब दुनिया में ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं कि डेट फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स की बात हो रही है और उसके बदले में प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव अप करने की बात हो रही है. सो इट इज वेरी लाइकली कि ये फार्मर्स को जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन और जीन रेवोल्यूशन के बेसिस पे जो कैपिटल इंटेंसिव काफी एग्रीकल्चर हो रहा है और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो रहा है उसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मे बी आई कैन टॉक अबाउट लिटिल बिट लेटर, बट काफी लाइकली है कि इतना कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा कि फार्मर्स को और डेट लेनी पड़ेगी और फिर वो चुका नहीं पाएंगे. सो दे कैन बी गिवन अ क्लॉज के अगर आपको डेट फॉरगिवनेस चाहिए तो आप अपना लैंड कॉर्पोरेशंस के हवाले कर दो या स्टेट के हवाले कर दो. सो ये ट्रेंड्स में भी देख रहा हूं. राइट. सो बेसिकली सी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो करते हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो उनका जो गोल है सब आपके अपने हाथ में लेके, फिर जो भी उनका अल्टीमेट गोल है, फिर वो हम हिंदू राष्ट्र कह लें या जो भी है, ठीक है, वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए. तो मेरे हिसाब से ये काफी दूर की चालें चल रहे हैं, राइट. और अगर हम सारे डॉट कनेक्ट करें तो अगर हम ऐसा चाले नहीं भी चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम चलो जाने देते हैं कि ऐसी कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है या लेट्स से ऐसा कुछ भी नहीं है, बट डेफिनेटली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये दोनों के नेचर में है तो वो दोनों सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं. अब वो कितने सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो हमें नहीं पता, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे वो मैं जानता हूँ, बिकॉज जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत बढ़ जाता है तो सिस्टम अपने आप क्रैश हो जाती है. बट एनीवे वो कोशिश जरूर कर रहे हैं. कोशिश भी अपने बिहाफ पे नहीं कर रहे, लोगों को लग रहा है कि ये लोग खुद का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं पर इनके पीछे जैसे मैंने चैनल पे बात की है ये लोग सिर्फ लॉबी कर रहे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा और जो भी ग्लोबल रीसेट का लार्जर पिक्चर है उसके उसके बेसिस पे जो भी यूएन के एसडीजीज है जो ये लोग सारे स्टेट्स और सेंटर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी बन गई है, नीति आयोग के हेड भी अभी नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट है, सो दे आर ऑफिशियली इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबलिस्ट एजेंडा ऑन इंडिया. और फिर वो लोग ऐसे पोर्ट्रे करके दिखा रहे कि अपने आप में पावर ले रहे पर वो पावर सिर्फ उनके मतलब लार्जर फोर्सेस के बिहाफ पे सेंट्रलाइज कर रहे ताकि जो भी ग्लोबल सॉर्ट ऑफ एजेंडाज है उनके जो ग्लोबली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो सेंट्रलाइज पावर हो गए तो उसके जरिए इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए. राइट. सो वो आप डेफिनेटली आपने उसमें बहुत रिसर्च करी है तो आप वो कह सकते हो, बट मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेफिनेटली
करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर उसका जो भी ग्रांड मोटिव हो या जो भी हो वो आपको ज्यादा पता है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि इस बिल में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, तो जो कि हमारे लिए नहीं अच्छा है। कोई भी फ्रीडम लविंग पर्सन जो है वो कभी भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को नहीं पसंद करेगा, बिकॉज अगर फ्रीडम अगर कहीं आती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में आती है। तो अगर मैंने जैसे मेरे आर्टिकल में भी लिखा है, अगर मुझे आज की तारीख में मुझे चूज करना है स्टेट गवर्नमेंट के रूल में या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में, तो मैं डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के रूल को पसंद करूंगा, बिकॉज एटलीस्ट मेरी स्टेट गवर्नमेंट जो है या मेरी लोकल म्युनिसिपालिटी गवर्नमेंट जो है वो रियलिटी के ज्यादा टच में है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हमारे ज्यादा क्लोज है। सो और दिल्ली में ये बैठे एक लोगों को नेशनल सेंटिमेंट इवोक करके ये लोग ये पुश कर रहे हैं कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, बट लोगों को वो पेट्रियोटिज्म इवोक कर रहे हैं लोगों को देश के नाम पे, पर इन इन द रिटर्न ऑफ दैट हम पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थोपा जा रहा है, जो गलेबल लोग या मोदी भक्त समझते नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और मैं छोटे लेवल पे भी वो देखता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अगर हमें कुछ करना है तो हमें ऊपर तक जाना पड़ता है, लोकल लोकल जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हेड है फॉर एग्जाम्पल, जितने भी उन वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, सारी चीजें सेंट्रलाइज हो रही है। तो ये डेफिनेटली टेंडेंसी और ये नहीं अच्छी चीज है, बिकॉज फ्रीडम नहीं रहेगी अगर सारा सेंट्रलाइजेशन पावर का हो जाएगा। तो पावर जितना डिफ्यूज रहे, पावर जितना डिसेंट्रलाइज रहे, जब तक पावर है, सी आई नो स्टेट नहीं रहेगा तब नहीं रहेगा, पर अभी आज की तारीख में तो वो है, और आज की तारीख में अगर वो है तो कैसा रहना चाहिए, या सेंट्रल में ज्यादा पावर रहना चाहिए या डिफ्यूज रहना चाहिए, वो हमारे पास इमीडिएट एक चॉइस। तो इसलिए मैं ये पसंद करूंगा कि राज्य सरकारें अपनी मंडियां चालू रखें, राइट, और ऑफ कोर्स यू नो इन अ गिवन कंडीशन मैं भी चाहूंगा कि ये सब कुछ ना रहे, बट ऑब्वियसली ऐसी बातें करना फिर डे ड्रीमिंग जैसा हो जाएगा। मैं काफी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि इस माहौल में, इस कॉन्टेक्स्ट में, अभी जो हाल है उसमें अगर पावर इस तरह से डिसेंट्रलाइज रहेगा तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। अगर सब कुछ सारे डिसीजन अगर दिल्ली से लिए जाएंगे तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, कंपेयर टू अगर वो डिसीजन हमारी लोकल म्युनिसिपालिटी ले रही है। सो ये तीन चार मुद्दे जो हैं मैंने अपने फार्म बिल के आर्टिकल में मैंने थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर लाइट डालने की कोशिश करी है कि थोड़ा एक उसके तो ये स्पेसिफिक्स में, या थोड़ा आई वुड लाइक हम लोग स्पेसिफिक्स में जाए थोड़े इसके, तो मैं आपसे श्योर यू नो कुछ पॉइंट्स हम लोग रेस करते हैं, फिर उस पे मे बी इफ यू अग्री डिसअग्री हम लोग उस पे बात कर सकते हैं। एक है जो अभी हम देख रहे हैं कि पहले कर्ब्स थे स्टॉकिंग पे, जो कॉरपोरेशन थे जो भी सप्लाई स्टॉक कर सकते हैं, तो उसको अभी हटाने की बात हो रही है, और बात हो रही है कि ये जो भी बिग मनी प्लेयर्स है वॉल स्ट्रीट पे वगैरह, ये लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, होर्ड कर सकते हैं। सो इस पे आइडियली आप पर्सपेक्टिव रहता कि यू नो बुरा नहीं है, स्पेकुलेशन स्पेकुलेटर्स का भी रोल होता है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और वो बुरे प्लेयर्स नहीं है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू सी दैट बीइंग डेट्रीमेंटल टू द फार्मर्स? सी सबसे पहली बात ये कि सरकार अगर कुछ प्रमोट कर रही है तो उसमें डेफिनेटली उनका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, ये कोई मार्केट की स्पेकुलेशन नहीं है, राइट। मैंने जैसे बोला मिडिल मैन के किस्से में कि मिडिल मैन मार्केट में अच्छे होते हैं, पर अगर सरकारों ने उन्हें अपॉइंट किया है तो डेफिनेटली वो उनके फायदे के लिए है। तो यहाँ पे अगर कॉरपोरेट को अलाउ किया जा रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली सरकार और कॉरपोरेट का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, बिकॉज जैसे हम सवाल पूछते हैं क्यों बोनो, कि किसको बेनिफिट हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये सवाल हमें करना चाहिए। और अगर जो स्टेटिस सिस्टम है अगर उनको फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली लोगों को नुकसान होने वाला है, बिकॉज जितना भी रिसोर्सेज होगा वो लोग कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। सी हो क्या सकता है, कॉरपोरेट जितने भी टाइकून हैं वो सारा जो भी रिसोर्सेज है का कॉर्नर करेंगे, और वही लोग फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं। सो इट्स अ नेक्सस बेसिकली, इसी को हम फासिज्म कहते हैं एक्चुअली। कॉरपोरेटिस जो स्टेट है ये वही है, तो कॉरपोरेट को सरकार मदद कर रही है और सरकार को फिर कॉरपोरेट मदद करेगा, वो उनको फंड करते रहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर उसी पैसे के बलबूते पे इलेक्शंस जीतती रहेगी,
और वो इलेक्शन जीत के उन्हीं कॉरपोरेट को ये सारे फायदे करवाती रहेगी, तो ये पूरा विशियस साइकिल जाता रहेगा। सो मैं क्या देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये जो भी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लेट्स से अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं या जितने भी सेंट्रल यू नो पावर्स हैं इंटरनेशनली, वो सब कुछ ग्रेट रीसेट या कम्युनिज्म या सोशलिज्म लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसे क्या मिलने वाला है? वो क्या चाहते हैं कि हम सबको मार देंगे? डीपॉपुलेशन की बात तो मुझे नहीं लगता है कि करोड़ों लोग मर जाएंगे और लोग देखते रहेंगे, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये चीजें अगर आप हिस्ट्री को जानते हो तो वो हमेशा ऐसे लोग जो होते हैं यू नो मैनिएक्स जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं अपने हाथ में सब कुछ लेने की और वो फिर हार जाते हैं। सिकंदर ने कोशिश करी थी दुनिया जीतने की और हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। नेपोलियन ने कोशिश की थी पूरा यूरोप जीतने की, हिटलर ने कोशिश की थी पूरा सब कुछ जीतने की, स्टालिन ने कोशिश करी, पर हम सब जानते हैं। पर ये एक बहुत पुराना इंसान का जो भी है वो एक टेंडेंसी है, नेचर में है कि उसको सब कुछ अपने हाथ में चाहिए होता है। कुछ ऐसे जो लोग होते हैं पर उसके चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। सो फार्म लॉ हो या GST हो या दूसरे जितने भी ये कॉरपोरेट को बैंक में नाले की जो हिलचालें चल रही है, RBI को पूरा कैप्चर कर लिया गया है, रघुराम राजन और इन सबको निकाल के, उर्जित पटेल को निकाल के, ये जितने भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होने वाले हैं, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ हिस्ट्री को देखते हुए और इकोनॉमिक्स के लॉस को देखते हुए। वो कोशिश करेंगे और उसमें बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी, हो चुकी हैं ऑलरेडी, हम ये लॉकडाउन में देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये कुछ कामयाब नहीं होने वाले जितने भी लोग हैं इंटरनेशनली भी अगर वो कुछ कर रहे हैं इस तरह से प्लान, क्योंकि इकोनॉमी और लाइफ जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। अगर ये लोग सोचते हैं कि वो रहेगी तो वो नहीं रहेगी। और हम ये भी मतलब बिल्स के स्पेसिफिक्स में भी यही सेम ट्रेंड देख रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट्स का वो काफी मतलब फार्मर्स के अगेंस्ट इनहेरेंटली रहता है, क्योंकि ये जो भी कॉर्पोरेट हाउसेज है दे हैव मतलब उनके पास इतने सारे लॉयर्स है, इतना सारा कैपिटल है उसको फाइट करने के लिए। और फिर हम बिल में ये भी क्लॉज देख रहे हैं कि यू नो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो अग्रीमेंट में, सो फार्मर्स को लाइक दे आर नॉट अलाउड टू गो टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में जाने की उनको परमिशन नहीं है। और योहान आप एक बात समझो कि ये सारी हवा में बातें हैं। मुझे कोई कह रहा था कि फार्मर कोर्ट में जा सकते, आप कभी कोर्ट में गए हो इंडियन कोर्ट में? क्या आप कभी स्टेट के खिलाफ स्टेट की कोर्ट में जीत सकते हो क्या? वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है आप मर जाओगे, आपके बच्चे मर जाएंगे, तब तक केस का चुकाना। पर फिर भी अभी आप कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्टुअली आप क्या प्रेफर करोगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने जाओ या एटलीस्ट एक जुडिशियरी के पास जाओ जो थियोरेटिकली अनबायस्ड और लॉफुल होनी चाहिए? आई वुड वेल वो नहीं है अनबायस्ड, वो हम सब जानते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दे ही ना खड़े हों, पावर डिसेंट्रलाइज किया जाए, ठीक है। सी हमको राज्यों की मंडी लानी चाहिए, फिर वहां से भी हटा के लोकली और लानी चाहिए कि लोकल सिटी मेरी है वो ज्यादा कंट्रोल कर पाए और लोकल सिटी में से धीरे धीरे हमारा एरिया है वो कंट्रोल कर पाए। तो वो जितना हम करेंगे एक्चुअली नेगेटिव काम करना है, पॉजिटिव काम तो कुछ करना ही नहीं है जी। तो ये जितने भी बिल है वो पॉजिटिव बिल है, ठीक है, उसमें कुछ भी हटाने की बात नहीं है। बेसिकली राज्यों को वीक करके पावर पूरा सेंटर में लिया जा रहा है। बिल में साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये जितने भी प्राइवेट ट्रेडिंग एरियाज हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो चूज करेगी वो कंपनियों को जाएगा, या जो भी मार्केट डिस्कवरी या स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करने की जो भी सारी फैसिलिटीज हैं वो सब गवर्नमेंट अपॉइंटेड कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी कंपनियां हैं उसके पास जाएगा। और रिमेम्बर हमारे इंडिया में जब भी फ्री मार्केट बोला जाता है तो इसका मतलब यही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिकली मोनोपोली है, लाइसेंस मोनोपोलीज है, इसमें कुछ फ्री मार्केट नहीं है। बिकॉज़ तो प्राइवेटाइजेशन का आप एक्चुअल भी समझा था, आई नो हमने इस पे पहले बात की है पर वो इंग्लिश में थी, तो प्राइवेटाइजेशन असली क्या होना चाहिए? आइडियली हम जो प्रमोट करते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट कैसे करता है अभी जो सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं? मतलब लोगों में काफी गुस्सा है ना, रेलवेज भी बेची जा रही है और यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारे पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो इनको बेची जा रही है। सो लोग जब हमारी बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई आपको चाहिए तो अभी वो तो हो ही रहा है, तो ये ना आपको प्रॉब्लम क्या है मतलब? सो आप एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन क्या है वो समझा दो। या सो
पहली बात है, प्राइवेटाइजेशन सरकार कभी पॉजिटिवली नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है हम प्राइवेट कर रहे हैं और फिर वही लोग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं। इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार बस खाली हट जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें रेलवे को प्राइवेटाइज करना है तो वो बोले कि ठीक है अब रेलवे नहीं रहेगा, अब जो कंपनी कॉम्पीट कर सकती है वो कंपनी बिजनेस चालू कर सकती है, वो बस खोल दे उस मार्केट को। फिर आप अगर कैपेबल हो तो आप मुंबई में ट्रेन चलाओगे या मुंबई के किसी एक एरिया में आप ट्रेन चलाओगे, किसी और एरिया में दूसरा कोई चला सकता है, फिर आप दोनों कोऑर्डिनेट करोगे एक्टिविटीज को। पर उन्होंने जो अभी अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने स्टेट ने सेटअप किया है वो तो हमारे पैसे से ऑलरेडी बना है, तो एक बात है कि उनको पहले वो पैसा चुरा के बनाना ही नहीं चाहिए था, पर अभी बन गया है तो उसको कैसे उनको ऑक्शन करना चाहिए आइडियली। वो ऑक्शन देखिए, ये जितना भी फंडिंग हुआ है स्टेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी वो टैक्स पेयर होने करिए, तो पैसा सारा लोकल टैक्स पेयर को जाना चाहिए बेचने के बाद। फिर टैक्स हो सकता है उनको शेयर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई की रेलवे ट्रेन को प्राइवेट करना है तो मुंबई के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको उस कंपनी जो बन रही है उसके स्टॉक्स मिलने चाहिए, फिर वो मिलके डिसाइड करेंगे उनको स्टॉक रखने या बेचने किसी और को दे देना है। लेट्स से कोई प्राइवेट कंपनी कह रही है कि हम आपके सबके स्टॉक खरीद लेंगे ज्यादा प्राइस पे, तो वो उनको बेच सकते हैं और फिर वो इस तरह से प्राइवेट हो जाएगी, फिर वो कॉम्पिटिशन में कोई भी आ सकता है। बट यहाँ तो सरकार बोल रही है प्राइवेट करना है, L&T को दे दिया, प्राइवेट करना है रिलायंस को दे दिया, प्राइवेट करना है SR को दे दिया। ये कैसा प्राइवेटाइजेशन है कि L&T और SR और रिलायंस और टाटा और बिरला के अलावा और किसी, अडानी के अलावा और किसी को कुछ मिलता ही नहीं है? ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट सिंपली हट जाएगी, अपना स्टेट जो है वो टैक्स पेयर को दे देगी, बिकॉज टैक्स पेयर जो है वो एक्चुअल मालिक है सब पब्लिक प्रॉपर्टी के, क्योंकि उन्होंने फंड किया है ये सब चीजों को, तो उन्हें ये सब अधिकार है कि उनके हाथ में उनकी प्रॉपर्टी चली जानी चाहिए जो भी शेयर है उनका। और तो फिर अभी वो प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं रहा फिर उस पर्सपेक्टिव से। अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो चीजें है वो हमारे पास आनी चाहिए, उसके बदले प्राइवेट हाथों में जा रही है जो इनके दोस्त है जो इनको फंड करते हैं। प्राइवेट हाथों में नहीं जा रही, एग्जैक्ट लाइसेंस, मैं इनको लाइसेंस मोनोपोलीज कहता हूँ, और वो है टेक्निकली स्पीकिंग ये लाइसेंस मोनोपोलीज है और लाइसेंस सरकार दे रही है। ओके, तो मोनोपोली का एक ही रूट होता है और वो है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ प्राइवेट नहीं है, इंडिया में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। अगर प्राइवेट होता है योहान तो हमें टैक्स ही ना भरना पड़ता ना। सबसे पहली प्राइवेट चीज हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी से जो हमने कमाया है हमारा हार्ड एंड मनी, वो अगर हमें किसी को दे देना पड़ता है तो इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी को भी ओन नहीं करते। प्राइवेट का मतलब है ओनरशिप, और ओनरशिप का मतलब है हमारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, हमारी बॉडी से जो हमने कमाया है वो हमारा है। तो टैक्स का मतलब ये है कि हम सब गुलाम हैं, ठीक है। तो गुलाम फिर 5% का हो सकता है या 10% का हो सकता है, वो गुलाम ही रहता है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि 50% हमारी इनकम सरकार ले गई तो ही हम गुलाम कहलाएंगे, तब तक हम आजाद है। या तो आजाद है या तो गुलाम है, ऐसा कोई 50% आजाद नहीं होता है, 50% गुलाम नहीं होता है। तो प्राइवेट तो कुछ भी नहीं, हमारी बॉडी हमारी ओनरशिप की नहीं है, ठीक है। कल को जाके वॉर हो जाएगी तो हमको जबरदस्ती मिलिट्री में डाल दिया जाएगा, ड्राफ्ट लगा दिया जाएगा, कंस्क्रिप्शन लगा दिया जाएगा। ये तो खैर बहुत ज्यादा हल्ला हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन के लिए वो जबरदस्ती नहीं कर रहे, बाकी उनका बस चले तो उसके लिए भी वो जबरदस्ती कर रहे, बोले टीका लगाना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट फोर्स जैसा तो कर ही रहे हैं। ये तो हो ही जाएगा वो, मतलब अगर डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात आ रही है तो मैंडेटरी हो ही गया, वो आधार जैसा है। बिल्कुल, तो यूं ना कान पकड़ के, यूं पकड़ तो रहे ही है, तो हमें दबा दबा के जैसे हम भेड़ बकरी हैं और हमको पिंजरे में डाल डाल के उसी डायरेक्शन में लिया जा रहा है जहां हमारी कटाई होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जो लोग जो फ्रीडम की बात करते हैं उन्हें बड़े केयरफुली सोचना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ये है ही, ठीक है। तो इसमें मार्केट को गालियां देने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी कोई प्राइवेटाइजेशन या फ्री मार्केट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, वो होता तो ये सब कैशलेस के और डिमोनेटाइजेशन के एजेंडास क्यों लगाता? इन्होंने तो नॉर्मल, मतलब जो भी एक्चुअल फ्री मार्केट है कंट्री में, इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसकी, मतलब उसको ही हालत खराब कर दी। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिससे पूरा देश चल रहा था, जो बैकबोन था अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
उसको ही बर्बाद कर दिया। ये लोग हमारी बेसिकली लैंग्वेज यूज करते हैं नियो लिबरलिज्म में, दे लोग बात करते हैं डीरेगुलेशन की और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट्स ओपन अप करो, ये काम एमएनसीज यही लैंग्वेज यूज करती है ना, कि अभी दे वांट टू, अभी फार्म बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में इनको मार्केट ओपन अप करके उसको कैप्चर करना है। सो दिस इज वाई ये लोग फिर गवर्नमेंट के पास जाके ऐसे बिल्स लॉबी करके, यू नो, वर्ल्ड बैंक और ये सारे प्लेयर्स, गेट्स फाउंडेशन, ये लोग सब ऐसे बिल्स घुसाते ताकि फिर उनकी कंपनियां आके वो एरिया को कैप्चर कर पाए। सो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने पहले तो इमोरली हमसे हमारी प्रॉपर्टी चुरा के उसको मोनोपोलाइज किया है, और फिर जो भी पावर में एक्चुअली गवर्नमेंट को फंड और सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग आके फिर हमसे वो चुरा लेते हैं ओवरऑल, और फिर मार्केट कैप्चर करने की बात करते हैं। तो इसमें मैं ये कॉन्वर्जेशन में देख रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव काफी मिसिंग है, वो है हमारी हिस्ट्री का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, और इसका जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्टेक्स्ट है, जो लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने, अगर दर्शक देखेंगे तो मैंने जो एजेंडा 21 पे वीडियो बनाया था, आई थिंक उसको 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट बनाते हुए, सितंबर में लास्ट ईयर बनाया था, तो उसमें मैंने बात की थी कि कैसे आरबीआई का भी यही मतलब पॉलिसी रहा है मैक्रो इकोनॉमिक में काफी टाइम से, अभी से नहीं पर मनमोहन सिंह के टाइम से, और यू नो वर्ल्ड बैंक का भी यही डायरेक्टिव रहा है कि दो कॉन्टेक्स्ट, एक तो 1990s में जब डेट की क्राइसिस हुई थी, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस हुई थी, तब वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यूज करके, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप मतलब इंटरनेशनली भी ग्रीस में भी देख सकते हो और काफी देशों में ऐसे ही किया है। पहले ये लोग जो फ्रैक्चुअल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं, उसके जरिए पैसे हवा में से बना के ये लोग देशों को कर्ज में डालते हैं, और फिर कर्ज में जब ये लोग पे नहीं कर पाते तो जो भी इनका सोशलिस्टिक टाइप का सेटअप था भारत का, जहाँ पे सरकार, यू नो, काफी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज थी और ये लोग जो लोगों को पैसा दे रहे थे हमसे लेके, वो अलग बात है, उस पर हम बात कर सकते हैं, पर एटलीस्ट जो भी अभी हम बात कर रहे हैं एमएसपी की, तो जो भी सरकार पैसा डाल रही है मतलब स्टेट मंडियों से या एमएसपी जैसी चीजों से, ये लोग डेट में बेसिकली घुसा के फिर ये लोग गवर्नमेंट्स को लॉबी करते हैं कि वहां से पैसा हटाओ और फिर ये कॉरपोरेशंस को सब्सिडीज दो। तो काफी जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने देखा, ये काफी माना जाता है कि एक सक्सेस था और यू नो एकदम मतलब इसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, पर इसके जो डाउनसाइड्स है वो टोटली मिस किए गए हैं। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए पॉसिबल था क्योंकि सरकार ने इतना सब्सिडाइज किया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में कैपिटल जो यू नो यूज हो रहा था वो पेस्टिसाइड और वगैरह, उसमें काफी सब्सिडियां दी थी उनको। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि कर्ज में डाल के, फिर आप शुरुआत में भी कॉन्वर्सेशन में कह रहे थे राइट, जो अगर पैसा के आपको किसी पे डिपेंड करना पड़ता है तो स्ट्रिंग्स के साथ अटैच रहता है। सो ये इसको फॉर्मली स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट बोला जाता है। फिर हमने जॉन पर्किन जैसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने मतलब यू नो इकोनॉमिक हिटमैन की बात की है, ऐसी चीजें करते हैं पैसा दे के। तो ये एक हम पे ओवरऑल लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनेशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को कैप्चर करके, डेट को कंट्रोल करके, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके, हम पे बेसिकली ऐसे किया है कि अभी जो हम क्रिटिसाइज करते हैं सिचुएशन को और बोलते हैं कि अभी जो हो रहा है बुरा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें वापस 60s 70s में जाना चाहिए, जहाँ पे एमएसपी ही मतलब यू नो जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम अभी एमएसपी की कच्ची चर्चा हो रही है राइट। सो एक आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पर अभी फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारा पैसा वैसे भी चोरी हो रहा है राइट। तो इस पे हम कॉन्वर्सेशन शुरू करने के पहले बात कर रहे थे कि आपका एमएसपी के क्या स्टांस होगा, क्योंकि अगर आप मुझे अनार्किस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछो कि एमएसपी होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे पैसा चुरा के किसी दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर वो हमें चीज, अगर हमें फार्म प्रोड्यूस वैल्यूएबल है तो हम उसके लिए पैसा देंगे, मतलब उसके लिए हमसे फोर्सफुली लेके किसी को देने की क्या जरूरत है। पर अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो सपोर्ट रहा है, जो फार्मर्स यूज टू रहे हैं ये एमएसपी के सिस्टम से, उनको बेसिकली एग्रीकल्चर से हटाने के लिए, और ये जो भी एमएनसीज बड़े प्लेयर्स है, कागिल, मॉन्सेंटो, बेयर, और फिर इनके लोकल कंग्लोमरेट्स, अदानी अंबानी, यू नो ये बेसिकली दलाल ही है इनके इंटरनेशनल फोर्सेस के, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वीडियोज में, तो उनको देखिए ये फार्मर्स को बेसिकली क्रश करने का लार्जर पिक्चर मुझे देख रहा है। तो इस पे आपके एमएसपी पे क्या थॉट्स हो गए इस कॉन्टेक्स्ट में? सी देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आपने फार्मर्स को इन सब चीजों पे डिपेंड करवा दिया है, तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव खड़ा नहीं हो जाता है, मतलब सही में फ्री मार्केट आप रिफॉर्म करते हो, सरकार हट जाती है और इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म करने लगती है कि हम सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहे हैं, प्राइस जो है वो कम होती जा रही है, बिकॉज हम आरबीआई नहीं रहा है,
या हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, तो धीरे धीरे इतनी इंप्रूव हो जाएगी सिचुएशन के फिर एमएसपी की जरूरत रहेगी। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने फार्मरों को इतना क्रिपल कर दिया इतने सालों से, फिर वो कांग्रेस की सरकार रही हो या जो भी सरकार रही हो, आपने एक बार इतना डिपेंडेंट कर दिया, फिर आप अगर अचानक से सब कुछ वापस कर लोगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। मतलब जितने भी सोच रहे हैं फ्री मार्केट, एज ए फ्री मार्केट बोल देने से कुछ इम्प्रूव नहीं होता है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है, तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि एक ट्रांजिशन प्रोसेस होनी चाहिए कि फार्मर्स को अल्टरनेटिव अगर मिल रहा है, अगर क्योंकि इकोनॉमी अगर नेचुरली प्रोग्रेस करेगी तो धीरे धीरे फार्म सेक्टर श्रिंक करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ज्यादा, पर हमारे यहाँ आप देख रहे हैं तो पूरा उल्टा ही है। एक बार जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन फार्म सेक्टर में इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करती है, और वहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कुछ 8-10% है। दूसरी बाजू सर्विस सेक्टर 50% से ज्यादा है और उसमें थोड़े बहुत लोग ही एम्प्लॉयड हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट सो कॉल्ड है, वो काफी इम्बैलेंस्ड है, राइट? तो फार्मर्स को जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाते तब तक तो उनको सहारा मिलना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, नहीं तो वो मर जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चे को इतना अपने आप पे डिपेंड कर दिया है कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता है, तो आप उसको अचानक से नहीं छोड़ सकते ना, आपको एक ऑल्टरनेटिव उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। और वो लगा कि अब ऑल्टरनेटिव खड़ा हो गया, अब ये अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है, फिर आप धीरे से हट जाएंगे तो वो चलेगा। और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि स्टेट सब्सिडी ना दे ना, मतलब इतना सारा पैसा हमारा, अभी मैंने भी इस पे काफी मतलब पढ़ा है कि कैसे इन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को टैक्स रिलीफ इतना मिलता है, इनको काफी लैंड दिया जाता है स्टेट के साइड से, इनको इतनी सब्सिडीज दी जाती है। जैसे मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के कैपिटल की भी बात कर रहा था, काफी पेस्टिसाइड्स और यू नो जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में सीड्स और वगैरह यूज हुए है, उसको काफी इतनी सब्सिडी मिली कि फार्मर्स फिर कम्पीट ही नहीं कर पाए। और इसी भी आई डोंट नो, मतलब मैं इतना श्योरिटी से बोल नहीं सकता, पर एक मेरे फार्मर दोस्त है, उन्होंने भी मुझे बताया था कि कैसे ये फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एक सर्टेन सब्सिडी दी जा रही है ये कॉन्टेक्स्ट में एंटर करने के लिए, फ्री मार्केट और कंपटीशन को प्रमोट करने के नाम पे उनको सब्सिडी दी जा रही है। सो ये जो भी हम देख रहे हैं, वो एक बार ये सारी सब्सिडी हट गई और फार्मर्स फिर कम्पीट कर पाए इक्वल लेवल पे, तब हम इन सारी चीजों की बात कर सकते हैं कि एमएसपी हटना चाहिए या यू नो इनको खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। पर अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब इतना सारा पैसा हमसे चुरा के ये एमएनसीज को ही दिया जा रहा है ओवरऑल, और लॉज भी इनके फेवर में पास हो रहे हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए कम्पीट करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये आई डोंट थिंक इट्स प्रूडेंट टू टॉक अबाउट दैट अंटिल वी गेट देयर। ऑफ कोर्स आप किसी को इस तरह से बीच पे कैसे छोड़ सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे आपने बात बताई, जब से प्लानिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में, हमेशा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकों को सब्सिडाइज किया गया, जबकि भारत इज अ एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है। अभी आप देखिए ये सरकार क्या कर रही है, उन्होंने दिल्ली में बिना ड्राइवर की ट्रेन चालू करी। हमारे यहाँ तो 4-5 ड्राइवर वाली ट्रेन होनी चाहिए, सो एटलीस्ट लोगों को रोजगारी मिल जाए। और उसको इसके पहले मैं भूल जाऊँ, मुझे खाली दो पॉइंट पे बात करनी थी। एक तो ऑब्वियसली ऑटोमेशन की मुझे आपसे बात करनी थी कि अभी हम जो भी देख रहे हैं इनको डिस्प्लेस करके जो पावर सेंट्रलाइज करने की बात कर रही है लोग, तो इसमें ये लोग काफी मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि फार्म्स मतलब खुद से चल पाएंगे, ड्रोन्स होंगे फार्म्स में और यू नो वगैरह वगैरह। सो मैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपकी व्यूज देखना चाहूंगा कि हम बात तो करते हैं मतलब प्राइवेटाइजेशन की, पर अगर इनके हाथ में इतना सारा रिसोर्सेस चले गए जो ये यू नो गवर्नमेंट को यूज करके ये लोग करना चाहते हैं, और फिर एक साइड पे ये लोग कह रहे हैं कि इससे जॉब्स बढ़ेंगी वगैरह वगैरह, पर हम देख रहे हैं कि जब से ये रेटरिक चालू हुआ है ग्लोबलाइजेशन का और वगैरह, जॉब एक्चुअली ग्रोथ कम हुई है। और अगर इनके हाथ में रिसोर्सेज चले गए तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये लोग चाहेंगे कि जितना ह्यूमंस को कम यूज करें और जितना टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे, तो यू नो उससे जॉब्स भी कम होंगे और लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी ये जो भी ग्रेट रीसेट के अंदर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म बोल के हमें बताया जा रहा है उसपे, तो उसपे आपके राइट। सो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो बिना ड्राइवर के ट्रेन की नहीं, पर 4-5 ड्राइवर के ट्रेन की जरूरत है, बिकॉज इतनी बेरोजगारी है कि हम तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात ही नहीं कर सकते। जबरदस्ती आप
चेंजेस इस तरह से लाओगे तो काफी सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगी। और फिर मैंने जैसे कहा, बेरोजगार अगर घूम रहे हैं तो वो एक टाइम बॉम्ब जैसा है, यंग बच्चे बेरोजगार, तो कल को जाके कुछ भी हो जाएगा तो कोई सेफ नहीं रहेगा। बिकॉज मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप बंगले में बैठे हो और आपके यहाँ पे पकवान बन रहे हैं और उसकी खुशबू बाहर जा रही है और आपके घर के आजू बाजू सारे भूखे नंगे लोग घूम रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कब तक आप सेफ रहोगे? और ये ऐसी क्योंकि बात कर रहे हैं ना, अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि फार्मरलेस फार्म्स होंगे और ये ड्राइवरलेस मशीन्स चलाएंगे, ड्रोन से मॉनिटर्ड होंगे, लैब बेस्ड फूड्स होंगे, फिर जो हाँ, भी क्रॉप्स उगा रहे हैं ये पैटेंटेड जीएम सीड्स होंगे जिसपे मतलब फार्मर्स उसको स्टोर नहीं करते अरे हर साल। आई तो अंडरस्टैंड। ये तो पूरा एक मैं ये कह रहा टेक्नोलॉजिकल हूं कि डिक्टेटरशिप टाइप का सिस्टम ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। आप भारत के सारे लोगों को 3 टाइम ढंग का खाना मिल जाए वो तो पहले श्योर करे। मैं तो वो जब चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, तभी मैं वो कह रहे मंगल पे हमने पानी ढूंढने के लिए वो यान भेजा है 400 करोड़ का खर्चा करके। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पानी ढूंढिए और हमें, मेरे यहाँ सूरत सिटी में आज की तारीख में भी हमें 2400 घंटे म्युनिसिपालिटी मीठा पानी नहीं दे सकती है। रोज सुबह 2 घंटे मीठा पानी आता है, हमें आज भी दौड़ा धाप आगे करनी पड़ती है 21वीं सदी में। ठीक है कि मटके भर लो, पानी भर लो, चला जाएगा, और वो मंगल पे क्या पानी ढूंढने आप जा रहे हो? तो ये जो पूरा, ये जो एक पूरा यू नो काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश करी जा रही है दुनिया को कि भारत बड़ा महान कंट्री है, ये काफी रिडिकुलस सी चीज है। और यू नो आप देखो, आम आदमी के पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और आप ऐसी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज की बातें की जा रही हैं, बुलेट ट्रेन की। अरे भैया, लोकल ट्रेन में आम पैसेंजर जो चढ़ता है सेकंड क्लास की टिकट लेके, उसको बैठने की सीट मिल जाए आप उतना श्योर करें ना। आप कहाँ बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, आप कहाँ बातें कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज बनाने की? यार ठीक से मोबाइल का टावर आ जाए, ठीक है, आपका कनेक्शन रहता नहीं है, नेटवर्क मिलता नहीं है, आपका नेट ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक है, आपके यहाँ कोई फैसिलिटी, रोड ठीक नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट लोग भी तो होना चाहिए। और ये स्मार्ट सिटीज का तो ये जो कॉन्सेप्ट ठीक सारी रहता है, पर ये इसमें जो एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज है वो पूरी तरीके से कट हो रही है। मतलब अभी हम वो जैसे तो बात कर रहे बर्बाद हो थे ही कि चुका है। इसके कॉस्ट होते कंपनीज के, अभी मैं काफी नैरेटिव देख रहा हूँ, इसलिए मैं पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ कि जो भी लेफ्ट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी जो हो रहा है और उसके नाम पे कैपिटलिज्म को पूरी तरह से ये लोग बेसिकली डिमोनाइज कर देते हैं, तो ये लोग ऐसे पोर्ट्रे करके देते हैं कि ये कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट एंश्यू करना है। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो नैरेटिव सही है, बिकॉज अभी के कॉन्टेक्स्ट में एमएनसी को सिर्फ प्रॉफिट परस्यू करके जितना लेबरर्स को क्रश कर सकते वो कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज फैक्टर नहीं है ना। मतलब ये लोग जाके अभी कोई रिवर को पोल्यूट करेंगे या जो भी ग्राउंड वाटर है उसको खत्म कर देंगे, तो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है इनके लिए। या हेल्थ किसी के बर्बाद हो गए एक्सेस पेस्टिसाइड यूज करके, जीएम सीड यूज करके। तो उसका सोल्यूशन है कि हम एक साउंड प्राइवेट जुडिशियल सिस्टम लाए जहाँ पे ये सारे एक्सटर्नलिटीज फैक्टर हो और उनको कॉस्ट मिले। पर अभी ऐसे टाइम में जहाँ पे इनके कोई कॉस्ट नहीं है तो ये सही रहेगा ना ऐसा नैरेटिव के ये लोग सिर्फ प्रॉफिट परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनको फिर जो भी डाउनसाइड्स आ रहे हैं, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद कैंसर रेट्स काफी बढ़ गए पंजाब में, क्योंकि जिनको काफी पेस्टिसाइड इंटेंसिव था और फिर वो पेस्टिसाइड्स पानी में जाने लगे और फिर उसके जरिए जो पानी पी रहे थे उससे कैंसर रेट्स बढ़ गए। एक कैंसर बेल्ट भी है पंजाब में, अगर आप वहाँ पे देखोगे, आरटी ने भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री की थी वो बीटी कॉटन पे और कैसे वो पूरा सुसाइड बेल्ट बना था वहाँ पे उसके वजह से। तो इसकी वजह से इनको कोई कॉस्ट नहीं होता, ये लोग सिर्फ परस्यू कर सकते हैं और फिर जुडिशियल सिस्टम इसको एनफोर्स नहीं करती, तो फिर ये लोग बेसिकली मेरे उनका प्रॉफिट नहीं होता। गुजरात में, आप गुजरात में आके देख लीजिए, यहाँ पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद कर चुके हैं लोग। सूरत सिटी में जा रहता हूँ, वहां रोज शाम को बदबू वाली हवा है, जो भी आजू बाजू में फैक्ट्रीज हैं वो छोड़ती रहती हैं। पूरे वर्ल्ड में जो भी टॉप 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हैं वो सारे के सारे इंडिया में हैं, ठीक है। तो और ये सारी चीजें सरकार सोशलिज्म की वजह से, इसमें कोई कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है। आज की तारीख में कहीं भी कुछ कैपिटलिज्म नहीं है, कुछ प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, कंपनियां जो है वो सरकारी लाइसेंस के बिना कोई चला नहीं सकता है। तो ये जो पूरा लेफ्ट राइट का जो पूरा ये लोग हमें उलझा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो सोल्यूशन है मेन मुद्दा के, स्टेट जो है वो हमारा मेन एनिमी है, वही सब लोग भूल रहे हैं।
तो अगर स्टेट ही नहीं रहेगा, वो ही अगर पावरफुल नहीं रहेगा या रहेगा ही नहीं, लोकल सेंट्रलाइज हो जाएगा पावर, तो ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, जब तक स्टेट है तब तक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट भी स्टेट का ही है और राइट भी स्टेट का ही है। ठीक है, इसमें फ्रीडम कहीं भी नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोल्यूशन क्या प्रपोज करोगे? एक बात तो हम चलो फार्मर्स की लार्जर पिक्चर पे बात कर सकते हैं। मुझे ये भी क्वेश्चन पूछना था आपको कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए अलग अलग वेज यूज कर रहे हैं, तो इस पे आपके क्या पर्सपेक्टिव्स है? एक है वो लोग जाके रिलायंस के टावर्स मतलब जला रहे हैं, अगर आपने देखा होगा। सो मेरे पर्सपेक्टिव से ऑफकोर्स किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना इट्स नॉट राइट। सो बट दूसरी साइड पे मैं ये भी कहूंगा कि अगर वो 5G के टावर्स है, तो अगर वो जा रहे हैं और वो उनके हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से उनको डिस्ट्रॉय करना सेल्फ डिफेंस होगा। मैं वो आर्गुमेंट भी दे सकता हूं आपको। तो आपके पर्सपेक्टिव क्या है कि फ्रॉम हियर फार्मर्स को एज अ लार्जर मूवमेंट, क्योंकि हम मतलब हमारे लोग भी जाके वहाँ पे स्पीचेस दे रहे हैं और ये जो भी लार्जर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात है वहां तक पहुंचा रहे हैं, फार्मर्स को बता रहे हैं कि इनका मुद्दा जो है वो कैसे लार्जर कॉन्टेक्स में फिट इन होता है। तो व्हाट वुड यू थिंक के फार्मर्स के लिए what is the right way forward for them to take their you know jo bhi issues hain ki unko resolve kaise kare aur hum aage kaise badh sakte hain. dekhiye violence ka use karna to bilkul justified nahi hai, to wo na kare. peacefully protest karna sabka adhikar hota hai, to wo karte rahe, sarkar pe dabav bana ke rakhe, resist karte rahe. dekho jab tak resistance rahega tab tak ye log jo hain wo thode control mein rahenge, unhe malum hai ki agar hum kuch karne jayenge तो लोग खड़े होंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ भी करें और सब चल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो करे, बट मेरे लिए ना किसी की भी साइड लेना काफी मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम को कोई समझता नहीं है। ठीक है, तो फार्मर्स आके फिर वही सोशलिज्म की बात करेंगे और नरेंद्र मोदी को लोग कैपिटलिस्ट कहते, जो कि दोनों नहीं है, राइट? तो यहाँ पे मैं पता नहीं किसकी साइड लूं, मैं तो किसी की साइड नहीं लूंगा। वहां मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्हें कोई ग्रीवेंसेस हैं तो डेफिनेटली वो प्रोटेस्ट करें। इनफैक्ट अगर ये सारी चीजें, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी बात क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं करेंगे मुझे समझ में आता भी है, बिकॉज वो कुछ भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी हो रहा है वो तभी रुकेगा जब वो इलेक्शन हारना चालू होगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस के लिए वही एक यू नो मेजरमेंट होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लोग डेमोक्रेसी हटाना चाहते हैं ना, जो टेक्नोक्रेसी का जो भी ट्रायलैटरल कमीशन में, और ये जो भी हमारे जो अदानी अंबानी है, इसका ये मतलब पर्सपेक्टिव ऑफकोर्स व्यूअर्स ने तो सुना ही है कि ये लोग बेसिकली एक ऐसा मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस बेसिकली वर्थलेस हो जाए ना। आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट जो एक टेक्नोक्रेटिक माइंडसेट है इन लोगों का कि पॉलिटिशियंस वर्थलेस है, सारी इकोनॉमी को एक्सपर्ट्स के कंट्रोल में होना चाहिए जो फिर एक साइंटिफिक डिक्टेटरशिप चला के पूरी इकोनॉमी को स्टीयर करेंगे। तो हम लोग अभी वो डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे जो भी एजेंडाज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो लोगों को समझने की जरूरत है कि ये मोदी और अमित शाह के भेजे में से नहीं आ रही है सब, ये बेसिकली नीति आयोग के जरिए और जो भी UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक प्लान है, एजेंडा 2030 का, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंट होके अब तक आया है, उसमें ये लोग बेसिकली एक ऐसा सोसाइटी प्रपोज कर रहे हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म का अंत हो जाए, यू नो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। और ये फिर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करके ऐसे दिखा रहे हैं कि कैपिटलिज्म ही दुनिया में बढ़ रहा है, पर ये लोग चाहते हैं कि फ्री एंटरप्राइज और प्राइस सिस्टम पूरी तरीके से निकल जाए और फिर एक रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी आ जाए जहाँ पे ये सारे लोग पूरे रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर दिए और फिर उनको बेसिकली आपको रेंट करे। आप देखोगे तो वो ये क्लॉस शॉप ने भी 2016 का आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो लोग बोल रहे थे आप कुछ ओन नहीं करोगे आप खुश रहोगे। सो ये देखो ट्रेंड देख रहे हैं दुनिया में वहां पे जाने के लिए। मैंने कहा योहान, मुझे इसमें बिल्कुल कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता है, बिकॉज इन लोगों की हमेशा से ये तमन्नाएं रही है और हमेशा उन्होंने कोशिश करी है और वो हमेशा फेल हुए हैं। तो जब भी कोई ये बात चालू करता है सोशलिज्म कम्युनिज्म की, तो मुझे हंगरी में एक रिवोल्यूशनरी टाइम 80s में एक जोक चलता था कि व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पेनफुल रोड फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो मैं वही देख रहा हूँ कि ये सारी बात, अब भले कैपिटलिज्म को ये सब बातें करने में सेंटिमेंटल इमोशनल अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप लॉजिक लगाओगे, ह्यूमन नेचर को समझोगे,
तो ये सब कुछ काम नहीं करता है। रशिया ने बड़ी कोशिश, यूएसएसआर फॉर्मर ने बड़ी कोशिश करी, क्यूबा ने कोशिश करी, चाइना ने, बट अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है, इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो वो रिटर्न होनी है, बिकॉज या तो वो रिटर्न होगी या फिर हम प्रिमिटिव हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बैक टू जंगल चले जाएंगे। और ये मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ, मीजिस ने बहुत अच्छा कहा था कि ये लोग जो सब ये नई सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन की, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से सस्टेन है। क्या वो चाहेंगे कि उसमें से 5 बिलियन मर जाए? क्या इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ हम लोग चाहते हैं? नहीं नहीं, वो चाहते भले, वो भले चाहते, पर क्या इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ होगा और हम लोग देखते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे? क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं, ऑन दैट आई एग्री विद यू। एक बात है कि लोगों के साइड से पुशबैक क्या आएगा, पर इनके प्लान ये है और ये अभी तक तो सक्सेसफुल रहे, उतना आई वुडंट डिनाई कि अब तक जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ये लोग, दे हैव गॉट सो फार। सो सी, मेरे हिसाब से अल्टरनेटिव तो ये है कि आप पूरा कैपिटलिज्म लाइए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, अपने आप पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हमारे इकोनॉमिक्स में जैसे एनवायरमेंटल कुजनेट कब आती है कि जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है, वैसे पॉपुलेशन में भी होता है। अगर अमीर हो जाएंगे तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन अगर प्रॉब्लम किसी को लग रही है, बिल गेट्स को या जितने भी ये लोग हैं, और हम उनको मान ले के उनके दिल में भलाई है सबके लिए और वो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका भी इलाज कैपिटलिज्म है, उसका इलाज कतई सोशलिज्म नहीं है। बिकॉज कुछ भी ओन नहीं करेंगे तो सब कुछ पोल्यूट हो जाएगा, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी की यही प्रॉब्लम रहती है, कॉमन प्रॉपर्टी की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो ओवर यूज हो जाती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो पर्यावरण बर्बाद हो जाता है, एनवायरनमेंट पूरा। आप जानते हैं फॉर्मर सोशलिस्ट यूएसएसआर जो था उसको सबसे ज्यादा गंदा कंट्री हुआ करता था। आप किसी भी सोशलिस्ट कंट्री में जाएंगे तो आपको हर जगह पे गंदगी मिलेगी, बिकॉज कोई मालिक ही नहीं है, और मालिक जहाँ नहीं होता है वहां पे उसका देखभाल कोई करता नहीं किसी, बिकॉज आपको कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपकी नहीं तो आप क्यों करना चाहोगे? तो ये जो सारे सपने हैं, ये जो सारे वॉट एवर जो भी प्लान है, मैं कह रहा हूँ मुझे हमेशा हंसी आती है और मुझे लगता है कि ओके देयर वी गो अगेन। ठीक है, इंसान कभी गलतियों से सीखता नहीं है और सरकारें खास करके वो कभी भी सीखती नहीं है। जो बिगेस्ट टूल है इनका वो फियर ही है, बिकॉज आइडियली आई वुड आल्सो अग्री। आप सोचो कि अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने खुद मतलब खुद पे इन्फोर्स किया है ना, मिलियंस ऑफ भारतीय जनता, और ये कुछ भी इनके जो भी ऑर्डर फॉलोअर्स है वो काफी कम है, और ये पार्लियामेंट में तो उनसे भी कम लोग है। तो इतना बड़ा वेल्थ ट्रांसफर जो भी हमने देखा है अभी लॉकडाउन के जरिए, और यू नो ये जो भी बड़े मतलब कैपिटल ग्लोबल माफिया है, यू नो इम्पीरियलिस्ट माफिया, भारत में भी जो भी अब अंबानी, यू नो पूना वाला, जिनकी वेल्थ बढ़ी है ना, बाकी तो पॉपुलेशन से वेल्थ ट्रांसफर होके इनके हाथ में गया है। तो आइडियली आई वुड अग्री विद यू कि आप पॉपुलेशन ऐसे ही देखेगी नहीं, पर जैसे ये लोग बेसिकली माइंड मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज करके फियर बढ़ा रहे पॉपुलेशन में, उसके बेसिस पे ये लोग काफी चीजें जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इनका एक प्रोपेगेंडा, द प्रोपेगेंडा इज सो स्ट्रॉन्ग और इतने लोगों ने उस पर बाय इन किया है कि ज्यादा करके लोग सोचते कि हमारी भलाई के लिए हो रहा है। अभी हम टेक्नोक्रेसी की बात कर रहे थे तो लोगों में पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इतना सेंटिमेंट बिल्डअप किया गया है कि अगर यू नो बेसिकली ये जो भी हम अभी देखने वाले इकोनॉमिक कोलैप्स और जो भी फियाट करेंसी का हाइपर इन्फ्लेशन होने वाला है, उसके बाद इसके लिए इन लोग ने अपनी वेल्थ को ऐसे पोजिशन किया। इसलिए डेविड रॉकफेलर ने ट्रायलैटरल कमीशन को फंड किया था, क्योंकि वो जानते थे कि फियाट करेंसी तो नष्ट होने वाली है, तो पैसे पे कोई ज्यादा पैसा रख के वो अमीर नहीं होने वाले, रिसोर्सेस पे अगर वो ग्रैब करेंगे उनके और उनके दोस्त तो ही वो फ्यूचर सोसाइटी में यू नो सस्टेन कर पाएंगे फियाट कोलैप्स के बाद। तो अभी हम ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं और लोग को बेसिकली दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस की वजह से ये सारी चीजें हुई है, तो उसके बाद आई वुडंट बी टू सरप्राइज अगर ये कोलैप्स आ गया फाइनेंशियली और सारी फियाट करेंसी मतलब कोलैप्स हो गई, तो ये आके प्रपोज करे कि ठीक है अभी हमें एक सेंट्रली ओन्ड डिजिटल करेंसी चाहिए, हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए, हमें यू नो ये सारी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए ताकि हम ये सारी क्राइसिस को फ्यूचर में अवॉइड कर पाए। तो आई डोंट थिंक दैट, अभी देखते हैं मतलब इट डिपेंड्स ऑन। देखिए मैंने आपको कहा कि कोशिश करने वाले करेंगे, अलेक्जेंडर ने कोशिश करी, हिटलर ने करी, कामयाब होना नहीं होना उनके हाथ में नहीं है क्योंकि लाइफ जो है वो काफी
स्मार्ट होती है और वो काफी डायनेमिक होती है, तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो ये लोग कितना भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे कामयाब नहीं होंगे। अब लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ इंडिया में सब कुछ चालू हो ही चुका है, मैं अभी मुंबई में था, लाइफ नॉर्मल चालू हो चुकी है, ठीक है, सूरत में लाइफ नॉर्मल है। अभी इतना मैं डिस्कनेक्ट देख रहा हूँ सरकार और लोगों के बीच में, लोग हैं जो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं कुछ काहे का कोरोना। मैं ट्रेन में आया राजधानी में, कोई कोई मास्क पहने हुए नहीं है, सब घुस रहे अंदर, ठीक है, बराबर भीड़ लगी हुई है, कुछ नहीं है। नहीं, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट ने काफी ऑब्वियस कर दिया है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट में इतने लाखों लोग गए हैं, पॉलिटिकल रैलीज में ना, तो कुछ हो नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ लाइफ को आप रोक नहीं सकते ना, लोग कब तक डर, डर की भी एक सीमा होती है ना, डर डर के भी लोग थक जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अब ठीक है ना, इस तरह से जीने से अच्छा है तो मर जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे, अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे, अपने चाहने वालों से, अपने डियर्स एंड लव्ड वन से नहीं मिलेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, ये कब तक मास्क का नाटक करेंगे, सब लोग पहन रहे हैं यहाँ तक नाटक, सामने पुलिस आती है तो चढ़ा देते हैं फिर निकाल देते हैं, ठीक है, तो लाइफ को वो ये लोग रोक नहीं पाएंगे जी, कितने भी कोशिश कर ले, और वो नॉर्मली, मैं इसलिए इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने भी ये कोशिश, जितना सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे उतना इंडिया टूटेगा। तो मुझे तो डिसइंटीग्रेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट का इतिहास रहा है। तो ये जितना कोशिश करेंगे उतना स्टेट में एंटागोनिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, और वो लोकल प्लेयर्स जो है, क्योंकि इसी महाराजा धीराज तो सबको बनना है सबकी महेच्छा है, अगर डेविड रॉकफेलर सोच रहा है कि मुझे बनना है तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं हमें भी बनना है, तो वही तो प्रॉब्लम है, हाइजैक करके रखा है ना वो सबको टाटास के जरिए, ठीक है, तो फिर वो लोकल कंपटीशन आएगी और उसको हटा लेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग भी तो अल्टीमेटली जीना चाहते हैं, तो और आप लोग से ही है वो, उनसे कहिए एलीट लोग से कोई, हां पर मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये थोड़े टाइम के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है बट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो मुझे तो लगता है कि स्टेट्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, तो अगर कोलैप्स होगा तो फिर ये सब जाएगा, और अगर टेक्नोक्रेट सोच रहे हैं तो फिर वो पॉलिटिशियन बन जाएंगे, अगर वो कंट्रोल करना है, बिकॉज़ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है वो तो एक फंक्शन है, पॉलिटिशियंस हट जाएंगे उनका मतलब है कि वोटिंग हट जाएगा, आई मीन उनका रोल तो ऑफ कोर्स ये लोग ही इंचार्ज रहेंगे, बट ये लोग बैलेट बॉक्स हटाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का तो मैं बिल्कुल फैन हूं भी नहीं, आप क्या चुनते हैं आप, मतलब कॉन्टेक्चुअली बात करें तो आपके सामने रखा जाए कि डेमोक्रेसी हो या साइंटिफिक डिक्टेटरशिप हो, तो आप रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी हो प्राइस सिस्टम के बगैर, तो आप क्या चूज करोगे? देखिए अगर डेमोक्रेसी में ज्यादा मार्केट है और फ्रीडम है तो मैं तो वो चूज करूंगा, वहां पे ही है ना, अगर प्राइस सिस्टम ही हट गया, जैसे ये लोग, आई एम नॉट जोकिंग, ये लोग पूरी तरीके से प्राइस सिस्टम को नष्ट करके पूरा स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, और ये तो ये लोग चाहते हैं वो टोटल ओनरशिप, और फिर आपको एक सर्फ की तरह रेंट करे सब चीजें, और आप पे एक यू नो कार्बन टैक्स जैसा एनर्जी क्रेडिट सिस्टम में लाए जहाँ पे आप सिर्फ वीक में इतना ही स्पेंड कर सकते हो, सो वो दिस इज वेयर दे आर प्लानिंग टू गो। हाँ, दे विल प्लान, ऑफ कोर्स दे विल प्लान, बट वेदर दे विल बी सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन। सी, बहुत लोगों ने प्लान किया था और उन्होंने अपने सर हमेशा गिलोटिन के नीचे ही पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री से कुछ और बढ़ के हो भी सकता है, ठीक है, तो कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे, सिकंदर ने भी कोशिश करी थी पर वो क्या कर पाया, फॉर अ वाइल डेफिनेटली लोग परेशान होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, राइट, बट मैं एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज छोड़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि लाइफ को आप रोक नहीं पाओगे, मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ज्यादा अपने आप को वो नहीं डार्क ग्लूम में डाल नहीं रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो सब हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और स्टेट जो भी है वो वीक हो जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे, और अगर स्टेट कोलैप्स हो जाएंगे तो फिर कहाँ से सेंट्रलाइजेशन का रहेगा पावर का, तो फिर लोकल पावर जल्दी आ जाएगा, इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो आप देखिए ब्रिटेन तो निकल ही गया है, दूसरी जगह भी हिलचाल है तो चल ही रही है, अमेरिका शायद अलग हो सकता है, हम देख रहे हैं कि ट्रंप के सपोर्टर और जो भी सामने लिबरल्स हैं वो अब साथ में रहने के लायक ही नहीं रहे हैं, बिकॉज इतना ज्यादा उलझान और दुश्मनावट बढ़ गई है, तो वहां सेसेशन की बातें चल रही है, हर जगह पे सेसेशन की बातें चल रही है, और ये बिल गेट्स और ऐसे लोग स्टेट के जरिए ही जो भी एजेंडा कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो अगर कोई सुपर स्टेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है बिना प्राइस सिस्टम में, कोई को तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और रिसोर्सेज रख के करेंगे क्या? अगर उनके पास बहुत सारे खेत है तो खेत में काम करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। उसके लिए तो ठीक है, ऑटोमेशन और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, पर ऑटोमेशन भी तो करेगा कौन? किसी को तो करना पड़ेगा ना मशीन किसी को तो बनाने पड़ेंगे, वो कैसे कर लेंगे? आई अंडरस्टैंड इस तरह के सपने वो देख रहे होंगे, आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम डिसइंटीग्रेशन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और वहां से ज्यादा फ्रीडम हमको मिलने वाली है। जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं, वो एक्चुअली डार्क एजेस हमारे लिए अच्छी होती है, जब सरकारें राज्य स्टेट राजाएं नहीं रहते थे तो प्रजा को ज्यादा फ्रीडम मिलती थी। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी के पास पैसे ही नहीं है, राइट, तो वो क्या कर पाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं वो पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, और फिर कुदरत पता नहीं क्या ही करे, सो वी डोंट नो। छोड़ते हैं हम लोग, मेरी होप तो जो भी व्यूअर्स है उनसे ही है कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में अवेयर होंगे और अपने अंदर एक ट्रू मॉरल करेज डेवलप करेंगे कि जो भी यू नो एक्चुअल राइट एंड रॉन्ग है उसको हम चुने, ये जो भी सरकार के फैसिस्ट लॉज है उसके ऊपर। तो मधुसूदन थैंक यू आने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। आई होप काफी हमने अलग अलग एंगल से पर्सपेक्टिव दिखाया है कि हम ऑब्वियसली फार्म लॉज के अगेंस्ट है, बट हम लोग नेसेसरली टोटल सपोर्ट में नहीं है एमएसपी के और दूसरी चीजों में। ऑफकोर्स हम कॉन्टेक्चुअली आपको हमने बताया कि ये कॉन्टेक्स्ट में तो होना चाहिए, बट आइडियली हमें ऐसी सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ पे पूरा एक फ्री मार्केट और प्राइस सिस्टम, यू नो, फ्री एंटरप्राइज का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, सरकार पूरी तरीके से हट जाए और फिर हम सारे अपने डिसेंट्रलाइज चॉइसेस अपने आप से बना सके और किसी से पैसे चोरी करके उसको यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़े। तो जो एमएसपी है वो भी लोगों का टैक्स पेयर टैक्स से ही हो रही है, जो भी इनको बड़ी कंपनियों को सब्सिडी मिल रही है वो भी टैक्स पेयर से ही हो रही है। तो ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि टैक्स का सिस्टम ही पूरी तरीके से अंत हो जाए और सब अपने अपने वॉलंटरी डिसीजन ले कि किसको कहाँ पे पैसा डालना है वो डाले, तभी सोसाइटी प्रॉस्पेरस होगी क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के अलाइनमेंट में होगी। सो थैंक यू मदर, थैंक यू योहान फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, थैंक यू। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे पेट्रियन या फ्लोट अकाउंट पे साइन अप करना कंसिडर कीजिए, जहाँ पे आप मुझे मंथली डोनेशन दे सकते हो और उसके बदले में कुछ फ़ायदे हासिल कर सकते हो, जैसे कि मेरे वीडियोस का अर्ली एक्सेस, मुझसे सवाल पूछना, 2 हफ्ते में एक बार भारतीय न्यूज़ को एनालाइज करना और बहुत कुछ। आप मुझे UPI या बिटकॉइन पेमेंट से भी सपोर्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया और कंस्पिरेसी रिसर्च को भारत में सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी मदद करना कंसिडर कीजिए, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है। धन्यवाद।